अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर उपमंडल घुमारवीं के गांव सेऊ के 22 वर्षीय सैनिक अंकेश भारद्वाज के शहीद होने का समाचार जैसे ही उनके घर पहुंचा, घर का माहौल गमगीन हो गया। वहीं अभी तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शहीद के पिता बांचाराम भारद्वाज का कहना है कि उन्हें सेना की तरफ से इस बात की खबर दी गई है कि उनका बेटा एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हो गया है, जिसके बाद पूरे गांव के साथ साथ समूचे क्षेत्र के लोग सैनिक के घर पहुंच रहे हैं तथा परिजन भी एक दूसरे को हौसला देते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साफ दिख रहा है कि बेटे की शहादत की खबर से अंदर से सब टूट चुके हैं। पिता बांचाराम ने बताया कि इस बात की खबर उन्होंने अभी तक शहीद की माँ तथा उसकी दादी को नहीं दी है। जहां शहीद की मां की पलके तक नहीं झपक रही हैं, वहीं 92 वर्षीय दादी भी पोते के घर छुट्टी आने के इंतजार में बैठी है। पिता बांचाराम ने बताया कि बचपन से ही अंकेश को सेना में जाने का शौक था, क्योंकि उसके चाचा ताया सभी सेना में थे। बचपन से ही उसे देश सेवा करने का जज्बा दिल में कूट कूट कर भरा था। परिजनों ने बताया कि सेना में जाने के लिए अंकेश बहुत मेहनत करता था और सेना में भर्ती होने के बाद वह काफी खुश था। अंकेश 2019 में जैक 19 राइफल में भर्ती हुआ था। 3 दिनों से बेटे की खबर का इंतजार कर रहा परिवार बेटे की शहादत से टूट चुका है, पर पिता का हौसला अभी भी देखते बन रहा है। शहीद अंकेश के घर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। गांव तथा आसपास के सभी लोग परिवार को ढांढस बांटते नजर आ रहे हैं। सेना की तरफ से जो 19 जैक का सुबेदार में जो है उन्होंने 6 फरवरी को मुझे शाम के 5 बजे मेरे को कॉल किया कि आपका बेटा जो है सुबह से पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था और उस दौरान वो जो है ग्लेशियर के आने की वजह से बर्फ में दसने लगे। आगे का ऑपरेशन जारी है और जो जो उसकी हमें सूचना मिलेगी ऑपरेशन उसको आपको सूचित कर दिया। उसके बाद उनकी तरफ से आगे कोई सूचना दी गई आपके बेटे की? अगले 7 तारीख को मैं हर घंटे बात करता रहा उनसे, तो ये आश्वासन मिला मेरे को कि जैसे कोई सूचना आएगी आप सूचित कर। तो अभी आपको कोई सूचना मिली हो ये टेस्ट जो आपको बताया गया हो सिचुएशंस के बारे में? अभी मेरे को कुछ नहीं मिला। 8 तारीख को मेरे पास एडीएम साहब और राज्य मंत्री राजेंद्र गर्ग जी आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए आपको। मैंने बोला मेरे को भारतीय सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो अपनी पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं बच्चों को निकालने के लिए, और बाकी प्रशासन या जनता आम जनता को वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती वैसा लोकेशन। तो आज आपको प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सूचना मिली हो? आज मेरे को कोई सूचना ना मिली ना कोई ये प्रशासन ने आपसे आज संपर्क किया हो किसी बात? किसी ने कोई संपर्क नहीं है ना कोई साइट किया में हो या कुछ कोई इसमें तो स्पोर्ट की साइट किसी बात नहीं। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से आज कोई आपके घर में आया था? कोई नहीं या किसी आज आपके पास कोई नहीं? पूर्व विधायक राजेश तिवाणी जी की पत्नी। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी आपके पास कोई नहीं? आज कोई नहीं आया। कल से जैसे मेरे को इसी फैसिलिटी की मिली है, 100% फैसिलिटी हो चुकी है। एक दिन मेरे बड़े भाई को मिली कल शाम 4 बजे, मैं तो रिसीव नहीं किया फ़ोन, मेरे भाई ने ज़्यादा ज्ञान जानने तो उन्होंने मेरे को बताया कि किसी को बताया नहीं, फिर हमने किसी को नहीं बताया। हमने इतना बोला सब क्योंकि कॉमा में आए और अपना ट्रीटमेंट है, जैसे कुछ किसी परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया गाँव को, जैसे भी हमने पूछा। तो ये सूचना आपको सेना के अधिकारियों से मिली थी कैजुअलिटी की या प्रशासन की तरफ से सूचना मिली है? प्रशासन की तरफ से मेरे को कल लगभग 12:30 बजे एसडीएम जो ठाकुर जी हैं उनकी तरफ से मिली कि बच्चे जो हैं मिल गए हैं, ऑपरेशन जारी है, निकाल लिए जाएंगे। पहले पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनका जो एक्चुअली लोकेशन था वो नहीं मिल रहा था। तो राजेश अपने जो राजीव एस डी एम कुमार से हैं ठाकुर जी, इन्होंने हमारे इनसे संपर्क किया, वो मेरे से फ़ोन नंबर ले गए थे, उन्होंने फिर मेरे को सूचित किया। और एस एच ओ कुमार थाना के जो हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप बच्चे जो हैं मिल चुके हैं लेकिन ऑपरेशन अभी निकाल लेंगे, ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद आपको उनसे बड़े भाई जी ने जो सूचना मिली कि जो है टोटल 7 जवान की जो बॉडी जो है सीव कर ली गई है, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। तो उसके बाद फिर ये यूनिट से मेरे को सूचना मिली है, प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई हिदायत कुछ नहीं मिला। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।